Exacto. स्टार्ट। या हेलो, हमारे बीच में जो हमारा नया कॉइन आ रहा है मैजिक कॉइन, उसके एमडी साहब मौजूद हैं। तो एमडी साहब, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों आ रहा है, कुछ अपना डिटेल, कैसे कॉइनिंग की माइनिंग हो रही है, फ्यूचर प्लान क्या है, तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे यूजर्स के लिए। जी, सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा आपका नेम। मेरा नाम रंजन कुमार है, मैं जी एक सर, यूजर हूँ आपके इस मैजिक कॉइन का। सर आप कहाँ मैं से हो सर? सर, ये कॉल कॉन्फ्रेंस में चल रही है ताकि हम पब्लिक में ये ऑडियो पहुंचा सकें, ताकि हमारे फाउंडर जो है मैजिक बिटकॉइन के, उनको सभी को प्लान पता हो जाए कि हमारे फाउंडर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे मैजिक बिटकॉइन का प्लान क्या है, मैजिक पॉइंट बिटकॉइन का टारगेट क्या है, क्या मिशन है, किस लिए वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, और मैजिक बिटकॉइन में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो सब आप मतलब हमें बताएं ताकि हम पब्लिक तक पहुंचा सकें ये बातें, ठीक है सर? जी जी सर। ओके सर, ओके। तो देखिए रंजन सर, है ना, पहले हाँ तो मैं अपना इंट्रोड्यूस देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ मैं एज ए मैजिक बिटकॉइन का फाउंडर, ठीक है, मेरा नाम है एमडी निजामुद्दीन खाजी फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना से हूँ मैं, ठीक है। जी और सर, हाँ सर, मेरी अभी एक ऑलरेडी हमारे दो कंपनी चल रही है, मैजिक फॉर मनी एंड मैजिक बाजार, ठीक है। ठीक है। ये हुआ है सर, हाँ, दिल्ली एनसीआर यूपी बॉर्डर पे पड़ता है हमारा। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन है माइग्रेशन बाजार प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ठीक है। ऑलरेडी हम इसमें मोर देन 6 मंथ से वर्क कर रहे हैं। और मेरी बात करेंगे तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 20 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ 20 ईयर्स का मुझे नेटवर्क का नॉलेज है काफी सारा। हाँ मतलब मैंने देखा कि सर काफी कंपनी में मैंने भी वर्क करा है, कई कंपनी में मैंने अर्निंग भी करा हूँ और कई कंपनी में फ्रॉड भी हुआ है मेरे साथ, ठीक है। तो मेरी एक ड्रीम था कि मैं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट डिजाइन करूँ जिसके अंदर पब्लिक का पैसा नुकसान ना हो, ठीक है, ओनली हाँ प्रॉफिट मिले, और वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट के भी कर सके, ठीक है। उसकी हाँ रिगार्डिंग मेरे दिमाग में काफी प्लानिंग चल रही थी। तो बीच में थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि जो चाइना ने इंडिया को जो धमकी दिया था ना, वो में 2 घंटे में हम दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है, हाँ उधर हाँ रात में मुझे नींद नहीं आई थी, ठीक है। मैं उस दिन बैठे थे ऐसे मेरी डायरी में जो काम कर रहा था, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट चल रहा था क्रिप्टो करेंसी का। तो मैंने सोचा उस दिन यार, इसराइल के पास हम जाके, मतलब कि एक छोटा सा कंट्री है जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ का है और हमारे पास 1,156 करोड़ का है, ठीक है। तो हाँ मैंने सोचा कि 1 करोड़ वाला जो पॉपुलेशन वाला है वो हमसे भी भारी ताकतवर है आज, है ना, वर्ल्ड के ऊपर। मतलब उसके पास हमको जाना पड़ रहा है, उसके पास से हमको हथियार लेना पड़ रहा है, और हमारा जो इंडियन आर्मी, हम जो आज सुकून से घर में सो रहे हैं। तो मैंने एक दिन इमेजिन करा कि हम जो सुकून से सो रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर जो हमारे साथी है, जो आर्मी, इंडियन आर्मी जो वहां पे हमारी रक्षा कर रही है, इसीलिए तो हम आराम से सो रहे हैं ना, तो हम हाँ उनके लिए क्या करें। मैंने इसलिए मैंने सोचा कि इंडियन आर्मी के लिए मैं क्या करूं, ठीक है। कि प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं, लेकिन हर भारतीय नागरिक का फर्ज बनता है कि हम कुछ हेल्प करें इंडिया के लिए, ठीक है। हमारा 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो 130 करोड़ में अगर 1-1 रुपये भी हम जमा करते हैं डेली या मंथली, तो महीने का 130 करोड़ रुपये जमा होता है, लेकिन करे कौन, ठीक है। तो इस बेसिक पे मैंने इस प्लान को डिजाइन कराया। क्रिप्टो करेंसी का भी मार्केट चल रहा है, और मैंने हाँ बिटकॉइन के बारे में देखा। बिटकॉइन के बारे में मैं 2009 से जानता हूँ, उस टाइम पे बिटकॉइन का रेट 6 रुपीज से लॉन्च हुआ था। मैंने उस टाइम पे कुछ 1,000 BTC लिया भी था, और मैंने 30 रुपीज के रेट में बेच भी दिया था, ठीक है। तो हमने सोचा नहीं था कि इतना, मतलब आगे चल के बिटकॉइन का मार्केट बढ़ेगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। तो उसी बात उसके बाद में 2013 में बिल गेट्स ने इथेरियम कॉइन लेके आया, ठीक है। फिर उस टाइम पे भी हमको इसके ऊपर बिलीव नहीं हुआ, तो हमने भी वो लिया और मतलब बाय किया और सेल कर दिया। तो अभी इससे रिगार्डिंग हमने जो कॉन्सेप्ट डिजाइन करा है, इंडियन आर्मी को, हमारे जो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, इसमें से 50% प्रॉफिट हम इंडियन आर्मी को दे रहे हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड की जो बिटकॉइन है, उसी तरीके से हमारा जो मैजिक कॉइन है, मैजिक बिटकॉइन वर्ल्ड में चले, है ना। तो वर्ल्ड वाइड लोग इसको अर्निंग कर सके, यानी कि माइनिंग भी कर सके। अगर किसी को बाई सेल करना है तो अभी प्री बुकिंग थोड़ा कुछ चल रहा है, ठीक है ना। जी और आपको कुछ पूछना है सर, आप पूछ सकते हो। ये उसी तरह कह रहे हैं सर। अक्षय कुमार ने रिसेंटली एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है,
इंडियन आर्मी के लिए, कि जहां आप डोनेट कर सकते हो एक उसी तरह का। और एक बात बताए। हाँ बताए। हाँ, दूसरा जो आपने बोला ना वो जो इसराइल का नाम लिया, तो थोड़ा मैंने भी मोसाद ये सब को लेकर थोड़ा ऐसे ही स्टडी किया हो, तो वो भी आसपास जो कंट्री से घिरा हुआ है, मतलब यूनिक है इसराइल। मतलब मैं तो बहुत सल्यूट करता हूँ इसराइल को कि इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी वो इतनी स्ट्रांग कंट्री है। आगे बताइए आप। सर मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हम 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, कभी इन फ्यूचर हमसे प्रॉब्लम आ जाए, जैसे आज तो हमारा देश अभी सुपर पावर बनने की तैयारी में है, और मैं अगर सोचता हूँ कि अगर और 5 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर रहते हैं तो सुपर पावर इंडिया को बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तो उनकी जो सोच है और वो ज्यादा इंडिया के बाहर रहते हैं, तो वो देखते हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम उनके लिए क्या सपोर्ट करें, इंडिया के लिए और हमारे खुद के लिए। पहले तो सर सबसे जरूरी है कि हम खुद स्ट्रांग हो जाए, है ना। तो मैंने सोचा कि कोई भी बंदा क्यों काम करेगा, है ना। उस हिसाब से अगर सबका आदमी किसी को अगर इनकम मिलते हुए, अगर किसी के मतलब पेट चलते हुए, यानी कि रोज की रोटी उसको मिल रही है, तो वो आगे के लिए काम करेगा, है ना। तो उसी रिगार्डिंग हमने इसको लॉन्च कराया मैजिक बिटकॉइन को, कि भाई इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है, जी ठीक है तो सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट की ज्वाइनिंग है इसकी। जी हेलो जी सर। हाँ 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 बोलिए, आवाज आए क्लियर है। जी चलो। हाँ सर देखिए, ये है ना मैजिक बिटकॉइन, एक क्रिप्टो करेंसी है जिसके अंदर हमने जो टेक्नोलॉजी यूज किया, 50% POS और 50% POW टेक्नोलॉजी हमने यूज कराया इसमें। जी ठीक है, ठीक है। और हाँ इसका जो PPT है सर, हम फेसबुक पे लिंक दे देंगे थोड़े दिन में। ठीक है, ठीक है। हमारी साइट कंप्लीट अभी मतलब वर्क चल रहा है, 15 अगस्त तक फाइनल हो जाएगा वेबसाइट का। अभी इसका जो कॉन्सेप्ट है, अभी लोगों को कंफ्यूज है लोग कि 1 बिटकॉइन या ज्वाइनिंग बोनस कैसा दे रहे हैं, साइन अप बोनस, है ना। तो सर पॉसिबल लोगों को क्या लगता है कि जो अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही तो सर काम है ना, उसी को तो काम बोलते हैं। वही सब कर रहे हैं लोग, जो इम्पॉसिबल बना रहे उसको हम पॉसिबल करना चाह रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मैं अकेला मिलकर पॉसिबल कर लूँ, आप लोगों का सहयोग भी मुझे चाहिए। जी 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 हाँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सर देखो अभी जैसा कि हमने साइन अप कर लिया है, शुरू से मैं आपको कॉन्सेप्ट मतलब समझाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने प्ले स्टोर गया और हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है ना, जी डाउनलोड करते ही आपको वहाँ पे स्पॉन्सर आईडी पूछेगा, आप स्पॉन्सर आईडी डालोगे जी और आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करते ही आपके एक उसके अंदर 3 स्टार है सर, जी एक है रेड स्टार बैलेंस जी और एक है ब्लू स्टार बैलेंस और एक है ग्रीन स्टार बैलेंस। ठीक है, जी तो जैसे ही साइन अप करते हैं आपको एक मैजिक बिटकॉइन मिलती है फ्री जी में, और आपको एक मिलता है। हाँ जी हाँ जी करेक्ट, मैं बोलो से बोल रहा। हाँ जी सर, डिस्टर्ब आ रहा है थोड़ा, तो आप मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है आप बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं कर रहे, कर रहे नहीं 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 कर रहे सुन रहे सुन रहे आपकी सुन रहे बात सुन रहे आपकी। हैं आप, एक्सप्लेन करें। हाँ हाँ तो सर देखिए, तो हम एक बिटकॉइन दे रहे हैं, मतलब जो हम दे रहे हैं रेड वैलेट में, रेड स्टार बैलेंस में दे रहे हैं। जी तो जी इसका मतलब क्या होता है सर, रेड स्टार का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको कॉइन तो मिल गया है, लेकिन उसको यूज करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ जी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक जी है, वो मैं दिखा दूँ किस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। जी एक जी है रेड स्टार, एक है ब्लू स्टार और एक है ग्रीन स्टार। जी जो अभी आप वर्क कर रहे हो, मतलब जी आपकी 1 लेवल से लेकर 7 लेवल तक की जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं आपके प्रो, ठीक है, जो जी भी पर्सन ज्वाइन हो रहा है उनका एक एक मैजिक बिटकॉइन आपको 7 लेवल तक मिलेगा। ठीक जी है, आपके डाउनलाइन में 7 लेवल तक मिलेगा, और एक बिटकॉइन जो आपको मिला है वो जी जी बिटकॉइन को यूज कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। कि उस बिटकॉइन को मान लीजिए आपका लेवल 1 पे 100 लोग होते हैं, ठीक जी है, एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। एक्टिव का मतलब है कि आपको 1 टाइम 200 कॉइन से एक बार अपग्रेड कराना है, टॉप अप मारना है। ठीक है, जी जी जो भी बंदा इसके अंदर आ रहा है उसको एक बार 200 कॉइन देके एक बार टॉप अप करना है। अगर आज की बात करेंगे तो कॉइन 50 पैसे का है, और जी अगर आज अगर कोई परचेस करके भी करता है तो 100 रुपीज का कॉइन होगा। ठीक है, जी जी अगर ये भी जरूरी नहीं है किसी को पैसे देके लेना नहीं है, कोई बात नहीं, वो फ्री में भी अर्न कर सकता है अपने डाउनलाइन से। ठीक है, जी 1 लेवल से लेकर 7 लेवल तक जो भी वर्क कर रहे हैं उनका एक एक कॉइन उसके पास जमा हो जाएगा, जो भी पर्सन है जी रेड स्टार बैलेंस में। जी लेकिन उसके लिए कंडीशन होंगी, वो अमाउंट वहां से उनको यूज करने की, कि लेवल 1 के ऊपर उनको 10 एक्टिव मेंबर चाहिए जिनके 200 कॉइन से टॉपअप हुई हुई हो। ठीक जी है, नेक्स्ट वन अगर जो बंदा आपके लेवल 1 के ऊपर 200 पॉइंट से टॉपअप कर रहा है तो उसका आपको 10 पॉइंट मिलेगा डायरेक्ट वाले को, जिस
उसका भी स्पॉन्सर है, उसको हाँ मिला हाँ 10 क्वाइन। ठीक है, जो बंदे का आपको मतलब मान लीजिए आप मेरे डायरेक्ट में है लेवल 1 के ऊपर एग्जांपल, तो जी आप हाँ अगर हाँ टॉप अप करते तो मुझे 10 क्वाइन मिलेगा उसका। ठीक है, जी ओके और एक चीज है सर इसके अंदर कि जैसे जब भी कोई प्री बुकिंग करा रहा है 50 पैसे से, जी जी उनका जो बैलेंस होगा वो जाएगा ब्लू ब्लू स्टार बैलेंस में। ठीक है ना, जी उनको अगर वो यूज करना है तो उनके लिए कंडीशन ये नहीं है कि उनको डायरेक्ट 10 एक्टिव मेंबर लेवल 1 पे नहीं चाहिए। ठीक है, जी उनको सिर्फ एक कंडीशन रहेगी कि 200 क्वाइन से अपग्रेड करना हर कस्टमर को जरूरी है वन टाइम। ठीक है ना, जी और दूसरी बात जो भी आपका मतलब बैलेंस जमा हो रहा है लेवल 1 के ऊपर, आपका मान लीजिए 10 लोग है एक्टिव और आपका 5000 क्वाइन अगर आपका जमा हो गया रेड वैलेट में ना, जी तो जैसे आपका लेवल 1 के ऊपर 10 मेंबर कंप्लीट होते हैं आपका वो बैलेंस ग्रीन स्टार बैलेंस में आ जाएगा। जैसे ग्रीन स्टार में आता है आप उसको 200 क्वाइन से अपग्रेड कर लीजिए, बाकी के जो क्वाइन है आप रिसीव एंड सेल, रिसीव बाय सेल कुछ भी कर सकते हो, आपकी कॉइन है वो। ठीक है ना, जी जी आपकी प्रॉपर्टी है आप उसको कुछ भी कर सकते हो, रेड वॉलेट में भी आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन सर लेकिन उसमें आपको मैं डिफरेंस बता दूं क्या है।